एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलेखन में आपने देखा होगा उसमें लिखा रहता है एक इकाई वाला आलेखन या पूर्ण मौलिक आलेखन या दो आवृत्त वाला आलेखन, तो ऐसे शब्द में आपको देखने को मिलते हैं आलेखन वाले प्रश्न में। तो इसे किसे कहते हैं या क्या होता है बहुत से लोग को नहीं पता है, तो चलिए आज हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले घंटे को आज प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब मिल जाए। हम आपको बताते हैं कि हम ड्राइंग का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं। अगर आपको उससे जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जहाँ से वहाँ से जुड़ सकते हैं। और जो भी चित्रकला संबंधित कुछ पूछना है तो आप वहाँ से हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए पेपर, ये 2023 का है, तो इसमें हम आपको दिखाते हैं। इस पेपर को हम पूरा साल भर के वीडियो अपलोड कर चुके थे पिछले साल, आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और चलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें जो आलेखन आता है उसमें ये शब्द जो लिखा रहता है आलेखन वाले सेक्शन में, ये इसमें देखो लिखा रहता है अपनी ड्राइंग शीट पर 16x12 स्टेटमेंट के आयत में 16x12, यानी कि आपको ऐसे हो जाएगा 16, ऐसे हो जाएगा 12, आपको इस प्रकार बन जाएगा। और आयत में पूर्ण मौलिक वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए, तो जिसमें लिखा है पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन। तो बहुत से बच्चे को नहीं पता होता है क्या है ये, ठीक है, पूर्ण मौलिक इकाई वाला आलेखन। चलिए आज हम इसको बताते हैं। तो पूर्ण मौलिक इकाई आलेखन जो होता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं, दिखा कर समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे ये है आलेखन, ठीक है, तो इसमें देखिए आलेखन में जो पेड़ बनाया गया, फूल बनाए गए, सिर्फ एक तरफ से ही निकाल के इसको कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि एक तरफ से इसको निकाल के पूरे आलेखन को कंप्लीट कर दिया गया है। ये होता है एक इकाई वाला आलेखन। अयोबा को समझ आ रहा होगा, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे आधा इधर कुछ बना दिए और कुछ इधर इधर बना दिए, दो पार्ट कर दिए, फिर वो गलत हो जाता है, वो एक इकाई में नहीं आएगा और आपका नंबर भी कट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जब एक इकाई वाला आलेखन बोला जाए तो आपको एक तरफ से ही आपको आलेखन कंप्लीट कर देना है, जैसे कि इसको दिख रहा है। तो इसे देखो, हम आपको और दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए आलेखन जो है पेड़ के फूल को सब एक तरफ निकाल के और पूरे वृत्त को भर दिया गया है। तो ये होता है मौलिक आलेखन और एक इकाई वाला आलेखन। आप समझ आ गया, चलिए आपको हम और दिखा देते हैं। कमल का हो गया, जैसे ये देखो गुलाब का, ये भी एक इकाई वाला आलेखन है और यही होता है मौलिक आलेखन, ठीक है। जैसे ये आयत में हो गया गुलाब, सब देखिए ये सब एक इकाई वाला आलेखन है। जैसे ये सूर्यमुखी का हो गया वृत्त में और ये आयत में सूर्यमुखी का हो गया, ये भी एक इकाई वाला आलेखन है। तो ये होता है आपको एक इकाई वाला, यानी कि आपको पूर्ण मौलिक आलेखन मतलब कि आपको पूरा भर देना है, वो भी एक तरफ निकाल के। तो ये होता है एक, आइए समझ में आ गया होगा। जैसे ये हो गया कनेर का, इसमें हमने कनेर गुड़हल गुलाब सबको दिखा दिया, आप इस तरह से बनाए तो आपको अगर परीक्षा में पूछा जाए एक इकाई वाला लेखन तो आपको ऐसे बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये देखिए गुलाब का, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको दो इकाई वाला लेखन किसे कहते हैं। चलिए दो इकाई वाला, तो जैसे आपको ये चित्र में देखिए आलेखन में, इसमें देखिए ये होता है दो आवृत्त वाला आलेखन, यानी कि मौलिक आलेखन नहीं है, ये एक इकाई वाला लेखन नहीं है, ये दो इकाई वाला है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें इसको डिवाइड करते हैं, फिर एक पार्ट को हम बनाते हैं, फिर ट्रेस पेपर की मदद से इसको हम उतार के उस पर दूसरे छापते हैं, यानी कि इधर उतारते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल पर वीडियो को मिल जाएगा, ट्रेसिंग वाले आलेखन सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो ये होता है दो आवृत्त वाला लेखन, ये जो है एक इकाई वाला लेखन नहीं है। आपको समझा गया कि ये मौलिक आलेखन नहीं है। तो इन दोनों में अंतर समझिए कि इसको जो है दो पार्ट होते हैं, देखिए ऐसे दो पार्ट हैं, यानी कि एक तरफ दो पार्ट हैं, आधा बना के आधा इसको उतारा जाता है। तो इस तरह से आलेखन इंटर में आता है, लेकिन उस तरह के जो है हाई स्कूल में आते हैं, तो इंटर में आपको इस तरह भी मिल जाएगा और मौलिक आलेखन भी। इंटर में दो तरह का, इंटर में दोनों तरह आलेखन आएगा। और ये देखिए ये भी है आवृत्त वाला आलेखन, यानी कि इकाई वाला मौलिक आलेखन नहीं है, ये होता है ट्रेसिंग पेपर का आलेखन बनाया उसको बोलते हैं। और ये दो आवृत्त का आलेखन है, यानी कि इसमें देखो एक दो है, दो पार्ट है। ये होता है दोनों आलेखन में अंतर है, मौलिक आलेखन और
दो आवृत्त वाला लेखन, ये दोनों में अंतर होता है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये इस तरह का लेखन जो है इंटर में आता है, लेकिन सभी जगह नहीं आता है, किसी ज़िले में आता है, किसी में नहीं आता है। तो अधिकतर इस तरह का लेखन बहुत कम आता है, बहुत कम ही ज़िले में आता है। ज़्यादा लेखन आपको इस तरह से मिलते हैं। तो ये लेकिन ये जब पेपर पूछते हैं तो इसमें ट्रेसिंग पेपर पेपर परीक्षा मिलता है तो उसी मदद से बनाते हैं। तो ये सभी जगह नहीं मिलता है, अगर आपके यहाँ मिले तभी यूज़ करना, तो आपको नहीं ऐसे यूज नहीं करना है। लेकिन किसी किसी ज़िले में ऐसे बनाना पड़ता है ये इंटर में। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि मौलिक लेखन किसे कहते हैं और दो आवृत्त वाला लेखन किसे कहते हैं। तो चलिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे बनाना है और आपको बहुत ज़्यादा सघन नहीं बनाना है, इससे परीक्षा में आराम से कलर कर सकें और कलर भी आपको ऐसे करना है। तो चलिए आज वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।